मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ में कैलाश प्रकाश स्टेडियम से निकली बॉक्सिंग की राज्य स्तरीय खिलाड़ी का आज अपहरण कर लिया गया। किशोरी ने एक बार फोन पर बहन से संपर्क किया, लेकिन रोते रोते वह ऐसा कुछ नहीं बता पाई जिससे उसका कुछ सुराग लगाया जा सके। आशंका जताई जा रही है कि उसे कार में टॉर्चर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल तेज कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दरअसल प्रतापपुर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉक्सिंग सीख रही है। वह राज्य स्तरीय खिलाड़ी है। बुधवार शाम हर रोज की तरह वह स्टेडियम आई थी। शाम को अभ्यास करने के बाद वह घर के लिए निकल गई। करीब एक घंटे बाद परिवार के पास फोन आया जिससे हड़कंप मच गया। फोन पर बॉक्सिंग खिलाड़ी रो रोकर बात कर रही थी। बहन की रोने की आवाज सुनकर परिजन पहले स्टेडियम और उसके बाद सीधे सिविल लाइन थाने आ गए। किशोरी की बहन ने यह जानकारी दी। मेरे पास उसका पहले कॉल आया था 5:23 पे, उसका मेरे पास उसका कॉल आया था। वो मुझे डेली फोन करती है निकलने के बाद कि मैं यहाँ से निकल गई हूँ घर आने के लिए। फिर मुझे उसका 5:31 पे कॉल आया 5:31 पे कॉल आया। 3 मिनट तक मेरी उसकी बात हुई है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाह रही है। फिर मैंने लास्ट 1:36 की मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करी है, पर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रही है। क्या बस कहना चाह रही थी, कुछ गाली में है, कहाँ है? हाँ, मैंने पूछा कुछ हुआ है क्या, मैंने कहा तुझे किसी ने कुछ पकड़ा है क्या, कुछ ऐसा हुआ है? बस क्लियर आवाज नहीं आ रहा था। मैंने कहा तू गाड़ी में है, बस हूँ ऐसी आवाज़ आ रही थी। कुछ मुंह दबा रखा था पर कुछ साफ सुनाई नहीं आ रहा था कि फिर है क्या। फिर मैंने उसे दोबारा कॉल करा, जब फिर जब से उसका नंबर अभी तक बंद जा रहा है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हो नहीं रही थी 5:31 पे, जो बस ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ है और उसका मुंह बंद है, उसे बोलने नहीं दे रहा है वो। हाँ, यही लगता है जब कुछ पता नहीं चल रहा है अब तक तो, वरना तो फोन बंद करने तो कोई मतलब ही नहीं उसका। जबकि किशोरी के पिता का यह कहना है, मेरी लड़की प्रतापपुर से यहाँ स्टेडियम आती है कैलाश में, बॉक्सिंग करती है। वो 3-4 साल हो गए उसको आते हुए। जब कल यहाँ से गई वो, तो पहले उसने फोन टेलीफोन करती है वो, जहाँ से निकलती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। उन्होंने मेरी बड़ी लड़की के पास फ़ोन करा कि मैं निकल रही हूँ यहाँ से। उसके 5-6 मिनट बाद फिर दोबारा कॉल आया, रोने की आ रही है, मतलब बोल कुछ नहीं पा रही है, सिर्फ रो रो रही है और चिल्ला रही है। पर इतना ही था, उसके बाद फिर उसका स्विच ऑफ हो गया। फिर इस लड़की ने मेरे पास फ़ोन करा, बड़ी लड़की ने, पापा ऐसे से बात होगी, मैं ड्यूटी पे था गाजियाबाद। फिर वहाँ से मैं भागा तो यहाँ पर आया, तो पहले प्रतापपुर थाने गए, तो उन्होंने कहा नहीं जहाँ पर हुआ है तो वहीं पर जाइए आप, पर यहाँ पर आए तो यहाँ पर एफ आई आर लिखवाइए। लेकिन अभी तक अपहरण की लिखवाई है सर। सर उसकी रिकॉर्डिंग से तो ऐसे लगता है कि यहाँ ऐसा तो कोई कर ही बिल्कुल नहीं हो सकता सर, लेकिन अब तक कोई सर पता चला सर लड़की का। कल शाम से गायब है सर, 5:30 बजे करीब से, 5:34 की लास्ट कॉल है सर, उसके बाद स्विच ऑफ है सर। लड़की की 17 साल के करीब उम्र है, दुर्गाबाड़ी स्कूल में पढ़ती है, 11वीं क्लास में लड़की है। इस बारे में एसपी सिटी नित भटनागर ने मीडिया को आज यह जानकारी दी। देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक किशोरी यहाँ पर आती थी। बताया जाता है कि जो स्टेडियम है उसमें वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने आती थी। पहले स्कूल जाती थी अपने, फिर यहाँ आती थी। कल शाम को बताया गया कि उसने अपने जो है यहाँ से चलने के बारे में तो फ़ोन किया अपने माता पिता को, अपनी सिस्टर को, और उसके बाद में लगभग 8-10 मिनट के बाद में फिर उसका फ़ोन आया जिस पर उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो रही थी। और इस बात पर आशंका जताई है इनके परिवार वालों ने कि संभवतः उसका अपहरण कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है। थाना पुलिस ने तुरंत ही इसमें जो है संज्ञान लिया, सारे सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक किए हम लोगों ने, अभियोग तुरंत ही पंजीकृत कर लिया गया था उनके पिताजी की तहरीर पर। हमारी कई टीमें इसमें लगी हैं, सर्विलांस के माध्यम से और ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उसको जल्दी से जल्दी बरामद करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट वाइट.tv। नमस्कार।